हमारा आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट के यूजुअली दो तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, डायरेक्ट और सिंपल लाइफ साइकिल, इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। डायरेक्ट लाइफ साइकिल उन पैरासाइट्स का होता है जो कि यूजुअली सिंगल होस्ट रिक्वायर्ड करते हैं अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, जस्ट लाइक एंटमेबा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास। ये सारे वो पैरासाइट हैं जो सिंगल होस्ट रिक्वायर्ड करते हैं अपनी लाइफ स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए। इनडायरेक्ट और कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल ये वो पैरासाइट्स जो कि दो या दो से ज़्यादा होस्ट रिक्वायर्ड करते हैं अपनी लाइफ स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल को हम इनडायरेक्ट और कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें दो होस्ट ऐसे कि वन डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम डेफिनेशन देख रहे थे डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट की। मलेरियल पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है, इसे अपनी लाइफ स्टेजेस कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। वन ह्यूमन है और सेकेंड एनोफिलीस फीमेल मॉस्कीटो है। उसमें ह्यूमन जो है एज ए इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट करता है और एनोफिलीस मॉस्किटो जो है वो डेफिनेटिव होस्ट के तौर पे एक्ट करती है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट पैरासाइट्स की और इन पैरासाइट्स में मैन एज अ डेफिनेटिव होस्ट है और इंटरमीडिएट होस्ट इनके लिस्ट यहाँ पे है। और सेकंड जो है ये वो पैरासाइट्स हैं जिसमें मैन एज अ इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट करता है और डिफरेंट वैक्टर और पैरासाइट्स सॉरी होस्ट जो हैं इस पैरासाइट के हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन उसमें हमने होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप में डिफरेंट एसोसिएशन सीखी थी, जस्ट लाइक सिम्बियोसिस, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। जबकि ये वो रिलेशनशिप है जिसमें जब पैरासाइट एंटर होता है होस्ट की बॉडी में तो होस्ट की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है वो यहाँ पे डिस्कस्ड है। उसमें तीन स्टेजेस आती हैं होस्ट की बॉडी में, या तो कैरियर स्टेज होगी, या डिजीज स्टेज होगी, या वो पैरासाइट डिस्ट्रक्शन स्टेज होगी। कैरियर स्टेज ये वो स्टेज होती है जिसमें जितना पैरासाइट होस्ट के टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, होस्ट की बॉडी उस टिश्यू को रिपेयर कर लेगी। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज रहती है, इसे हम कैरियर स्टेज कहते हैं। इसमें होस्ट ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होता पैरासाइट से। सेकंड है डिजीज स्टेज, ये वो स्टेज होती है जिसमें पैरासाइट की टिश्यू डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है होस्ट में और होस्ट को वो ज़्यादा डैमेज कर रही होती है। और लास्ट वन है पैरासाइट डिस्ट्रक्शन स्टेज पैरासाइट डिस्ट्रक्शन स्टेज में पैरासाइट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मीन होस्ट का इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है तो वो पैरासाइट को डिस्ट्रक्ट कर देगा, पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा और होस्ट जो है वो हेल्दी रहेगा।